साळंगपुर मंदिर परिसर में हनुमान जी विवादित भीत चित्रों हटावी लेवाया है, परंतु सनातनी साधु संतो आटली कार्यवाही थी संतुष्ट नहीं। लीमड़ी में योजाई रहे साधु संतों सम्मेलन में ज्योतिनाथ महाराजे कहूं कि स्वामीनारायण संप्रदाय लेटरपेड पर कोई बाहेतरी आप परमात्मा नंद जी लेटरपेड पर आपेली बाहेतरी न चाले। तो साथ ज सम्मेलन योजायू है तम शंकराचार्य जे कहूं कि कया ग्रंथ में स्वामीनारायण संप्रदाय उल्लेख थयो छे ते कोई ने ख्याल नहीं। स्वामी शब्द ने नारायण शब्द नो अर्थ तमे जाणो छो खरा, आ देवी देवताओं अपमान छे अने तेने साखी नहीं लेवाय। तो जे संत सम्मेलन लीमड़ी खाते योजायेलू छे तेमां अनेक जे साधु संतो छे सनातन धर्मना तेओ उपस्थित रह्या छे। ते पछी ज्योतिनाथ जी महाराज होय, जगन्नाथ मंदिरना दिलीपदास जी महाराज होय, उपरांत चैतन्य शंभु महाराज सहितना जे संतो महंतो छे तेओ आ निंबाड़ पीठ खाते योजायेला संत सम्मेलन में उपस्थित रह्या छे। अने स्वामीनारायण संप्रदाय द्वारा जे अपमान करवामां आव्युं छे देवी देवताओनुं ते मुद्दे तेओए 20 ठराव पसार कर्या छे। હું તળ છાંગા નો છું, થાય તો શું થાય, મોત આવી જાય ને એને મીઠું જો ધર્મ આટું કરવું પડે તેથી પરમ સૌભાગ્ય શું હોય છે। એટલા માટે ચિંતન એવું કરો કે બધાનું ભલું થાવ, આપણે એવું બોલવા વાળા છે, પોઝિટિવ એટીટ્યુડ વાળા છે, એનો અર્થ નહીં કે આપણે ઈજડ્યા છે, પોઝિટિવ એટીટ્યુડ મિસ્ટી કર્યા પછી ગોષ્ઠી કર્યા પછી જો સમાધાન ન થાય તો હો પાર્થને ચડાવે બાણ, નકી યુદ્ધ એ જ કર્યા જવાબ નો આપે। આપણા માટે થી લડો, જે આપણે આપણે લડશું ને તો આખો સમાજ સુખ શાંતિ દીર્ઘાયુષ વાળો થશે, બાકી સમાજ કઈ નહીં કરી શકે, આપણે લડવું પડશે। આપણે એના રોટલા ખાઈ છીએ, આપણે એના કપડા પહેરી છે, આપણને એ બાપુ કે આપણે પગે લાગે છે, એટલા તમે ઓછું એટલું તો કરી આપણે હો વિગાનું ધ્યાન કુતરો રાખે, આપણે તો ટેસ્ટ થી જીવી છીએ, આપણા આખા સમાજ નું ધ્યાન રાખવાનું આપણી નૈતિક ફરજ છે, અને આપણે ખાલી કઈ કરવાનું નથી, એક આચરણ કરો એટલે બધા ચરણ પૂજનીય વંદનીય થઈ જશે, અને વર્તન થી પરિવર્તન નો શંખનાદ ભૂકો, વર્તન વગર પરિવર્તન નહીં આવે, યાદ રાખજો તમારું વર્તન જ હોવું છે, મારું શું થશે એમ નહીં, આપણે શું કરશું એમ કરો, વોટ યુ નીડ ટુ કઈ કરવું છે કઈ બી, ઇફ યુ થિંક યુ વિલ ગેટ કઈ વિચારો પામવા માટે તો અહીં બધા સંતો એકત્રિત થયા છો। હું એમ કહું છું આ લીમડીની સભા છેલ્લી સભા હોવી જોઈએ, પહેલી નહીં, આના પછી આમ કરીશું, અમે આ છેલ્લી સભા હોય છે, અમે જે કરવું એ કરી દેખાડો, અને અમારી જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં અમને બોલાવજો, અમે તમને કે હલવા લઈ દઈએ એની ખાતરી અમારી પાસે તો સાધુ સંતો આ લીમડીના સંમેલનમાં અત્યારે આકરા પાણીએ જોવા મળી રહ્યા છે, અને કહી રહ્યા છે કે હવે આ પહેલી સભા પહેલી બેઠક નથી, આ છેલ્લી બેઠક હોવી જોઈએ, અને હવે જે કરવાનું છે તે કરીને બતાવવાનું છે, અને સમાજનું ધ્યાન રાખવું આપણે નૈતિક ફરજ હોવાનું સંતો કહી રહ્યા છે, અને સમાજ માટે થઈને સંતો આગળ આવે તેવું પણ તેમણે આહ્વાન કર્યું। તો આ સાથે જ પીઠાધીશ્વર શંકરાચાર્યજીએ શું કહ્યું તે સાંભળીએ। इनको अपने गले लगाया है सनातन धर्मावलंबियों ने, तो इन्हें जिसको पकड़ करके अगर हम ऊपर चढ़ते हैं और फिर उसका अपमान करते हैं तो पतन तधा वो नीचे गिरते हैं, उनका पतन होता है, इसलिए ऐसा अवसर नहीं आना चाहिए। भूल से अज्ञान से कहीं आ गया है, उस अज्ञान को दूर करना, ज्ञान के द्वारा दूर करना, ये मनुष्य का ही काम है, विद्वान का काम है, हम दूर कर सकते हैं इसलिए करना चाहिए, और सामंजस्य बिठा करके आगे भी ऐसा ना हो, जिन जिन उनके ग्रंथों में
हमारे मूल ग्रंथों में जो उन्होंने अपनी बातों को प्रकाशित कर दिया है, अर्थात दूध में पानी मिलाया है। सनातन धर्म तो शुद्ध दूध है, ये लोग सब अपना अपना पानी उसमें डाल रहे हैं, कोई बात नहीं है, फिर भी हम लोग स्वीकार करते रहे, आराधना करते रहो आप। लेकिन हमारे मूल ग्रंथों में जो, जैसे किसी ने कल हमसे पूछा था, स्कंद पुराण में स्वामी नारायण महाराज का उल्लेख है, वेद व्यास जी ने उल्लेख किया है, ऐसा उनके कोई महात्मा बड़ताल से घोषणा कर रहे थे। वेद व्यास जी के कौन से ग्रंथ में स्वामी नारायण शब्द का प्रयोग हुआ है? हाँ, नारायण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो नारायण पद्म भवम वशिष्ठम सत्यं च तत्पुत्र पराशरं च, हमारी परंपरा है। अजामिल के प्रसंग में नारायण चार अक्षर में अजामिल का उद्धार हो गया, वो हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। किसी भी शब्द का प्रमाण क्या है? किसी भी शब्द का प्रमाण शब्दकोश है, डिक्शनरी है, शब्द कल्पद्रुम है, वाचस्पत्यम है, आप्ते का कोश है, और गौंडल से प्रकाशित भी भगवत गोमंडल आप उठाकर करके देख लीजिए, क्या अर्थ कर रहे हैं आप, क्या अर्थ कर रहे हैं शब्द का? अर्थ नार्थक ज्ञान विहीन हो शब्दस्योच्चारणम फलति, अर्थक ज्ञान के बिना किसी शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। जानते हैं स्वामी शब्द का क्या अर्थ होता है, नारायण शब्द का क्या अर्थ होता है, घनश्याम महाराज के शब्द का क्या अर्थ होता है, और पांडे जी का क्या अर्थ होता है, जानते हैं क्या इन शब्दों को? नहीं जानते हैं। इसी तरह से इस तरह की हरकत ये लोग कर रहे। तो हम कहना चाहेंगे कि ये बंद होना चाहिए, इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। न जाने कितने आए और गए और चले गए, अभी 100-250 साल में बहुत थे आए और चले गए। ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हमको नींव खोद करके प्रमाण देना पड़े। हम चाहेंगे कि